आप देख सकते हैं हमने फिर थोड़ा सा ऑयल सरसों का डाल लेना है, उसको अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। देन फिर इसके अंदर हमने इस तरह लहसुनों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। थोड़े थोड़े करके हम इस तरह फ्राई करेंगे। और इसमें जाएंगे टू टेबल स्पून कलौंजी के, टू टेबल स्पून सौंफ के, टू टेबल स्पून मेथे के, और साथ में जाएगी टू टेबल स्पून हल्दी, और दो से तीन जब्बे हमने ले लेने हैं लहसुन के। और ये जो हमारे मसाले हैं इनको हमने अच्छे तरीके से पीस लेना है। पीसने से फिर ये हमारे मुंह के अंदर नहीं जाएंगे, पाउडर की शेप में हमने इसको अच्छे तरीके से पीस लेना है, कलवंजी को और सौंफ को और मेथी को। और इनकी निशानी ये है, जैसे ये येलो होंगे फिर ये इनको फ्राई करके निकालना है। ये देखिए इस तरह करना है। और जो इसके अंदर मसाले जाएंगे, नमक और रेड चिली, नमक हमने थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, चार से पाँच टेबल स्पून, और टू टेबल स्पून हमने रेड चिली डाली है। जैसे जैसे हमारे फ्राई होते जाएंगे हम इसके अंदर डालते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह। फिर हम थोड़े थोड़े करके सबको इस तरह फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्राई करने से पहले हमारे लहसुन इस तरह के होंगे। जब ये हो जाएंगे फिर इस तरह हो जाएंगे नरम। ये देख सकते हैं आप सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसको फिर जो हमने मसाला बनाया था उसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह हमने सबको फ्राई कर लिया। और इस तरह हमने करेलों को लंबा लंबा स्लाइसेस में काट लेना है, और इसको हल्का सा नमक लगा कर अब हम इसको भी अच्छे तरीके से दो से तीन मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं सूड़ों के अचार की फाइनल लुक। ये हमने थोड़े से तेल सरसों के तेल के अंदर डाल दिया है। ये देखें इसमें हमने करेलों का अच्छे तरीके से फ्राई करके वो भी इसके अंदर डाल दिए हैं। ये आप देख सकते हैं इतने कम ऑयल के अंदर हमने, सरसों के तेल के अंदर हमने इसको डाल दिया है। अगर आप इसी तरह बनाकर डालेंगे तो आपका अचार साल भर ख़राब नहीं होगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, और मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।